अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रुखसाना अख्तर और आप सब लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। आज एक और ज़बरदस्ती रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ, यानी कि मैं आज रेस्टोरेंट स्टाइल जो है चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। उसकी रिक्वेस्ट है किसी की और ये बहुत ही मज़े की बनती है। बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने जो है एक कप भर के जो है घी, आज मैं इसको घी में बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है घी में ये। तो एक कप भर के मैंने घी ले लिया और इसके अंदर जो है हम 2 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक डालेंगे बिस्मिल्लाह की बरकत से। पहले हम मसाला बना लेंगे क्योंकि चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल जाती है तो फिर वो ख़राब हो जाती है। 2 से 3 मिनट जो है इसको भून लेंगे लहसुन अदरक को। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। 4 से 5 मैंने टमाटर लिए, इसको ग्राइंड कर लिया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत से। टमाटर इसमें डाल देंगे और टमाटरों को अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। भुनाई कर रहे हैं तो फिर जो है इसमें से प्याज लेके, तली हुई प्याज जो है हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बिस्मिल्लाह की बरकत से। एक प्याज लेके उसको जो है हमने इस तरह से टमाटरों के साथ शामिल कर दिया और अभी इसको चलाते ही रहेंगे, भूनते रहेंगे थोड़ा बहुत अच्छी तरह से कि भुनाई करनी है। चिकन को जो है थोड़ा सा घी में इसको फ्राई करके डालेंगे। ज़बरदस्ती हमारी जो है रेस्टोरेंट स्टाइल जो है हमारी कढ़ाई तैयार होगी। 1 किलो के करीब हमारी चिकन है, इसको हम जो है फ्राई करके फिर उसके बाद मसाले में डालेंगे। टमाटर हमारे भुन चुके हैं, इसमें अब हम कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक है, 1/4 जो है हल्दी है, 1/2 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून भर के चाट मसाला है, 2 टेबल स्पून भर के जो है भुना कूटा ज़ीरा और साबुत धनिया। उसको आप भून के और कूट लें, इतने मज़े का लगता है इसमें फ्लेवर इसका। और ये जो है देगी लाल मिर्च है 1/2 टेबल स्पून, ये सब इसमें मिक्स कर देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साथ भून लेंगे इसको 2 से 3 मिनट। फोर टेबल स्पून दही ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत मज़े की हमारी ये चिकन कढ़ाई जो है तैयार हो रही है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू निकल रही है इसमें से। खूब अच्छी तरह इसको भी मिक्स कर लेंगे इसके साथ 2 से 3 मिनट। चिकन को खूब अच्छी तरह फ्राई करके अब इसमें डाला है, अब बस 2 मिनट लगेंगे हमें और ये झटपट से हमारी जो है चिकन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। चिकन हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस 20% रह गई है। अभी हम पकने रखते हैं, 5 से 6 मिनट में हमारी ये चिकन कढ़ाई ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। हमारी ज़बरदस्ती कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है, घी जो है ऊपर आ चुका है और ये देखो कितने मज़े की बनी है ये। और इसमें जो है 5 से 6 जो है हरी मिर्चें मैं इस तरह से काट के डालूँगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बारीक हरा धनिया डलेगा इसके अंदर। बारीक ही अदरक इसमें काट के डालेंगे। ज़बरदस्ती चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है, रेस्टोरेंट स्टाइल है, बहुत ही मज़े की बनी है। ज़बरदस्त खुशबू है इसमें से निकल रही है, देखें आप कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ाई लग रही है। जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो आखिर में जो है 1 या 2 फिर वही हम लेमन जूस जो है इसमें डालेंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़बरदस्त फ्लेवर भी बनेगा और खाना जो है बहुत अच्छी तरह से हज़म होता है। नींबू के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, मैं आपको बताती हूँ। खाने पकाने में इसी नहीं डालते हैं, या फिर खाने के बाद आप 1 गिलास जूस, उसमें 1 गिलास में पानी का 1 गिलास लें और उसमें 1 लीमू डाल के पी लें तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर की तमाम जो बीमारी, खुदा ना करे कोई है, मैदे का कोई मसला आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इंशाल्लाह ताला वो सब सही हो जाता है। तो देखें माशाल्लाह कितने अच्छे आजकल लीमू आए हुए हैं, सस्ते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह से 1 लीमू लेके उसमें से काफ़ी जूस निकला है, देखें आपके सामने। ज़बरदस्ती हमारी कढ़ाई जो है तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़े की बनी है, ज़बरदस्त खुशबू है इसमें से आ रही हैं, ये देखें। तो अब आपको जो है रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है, जब भी आपका दिल चाहा आपने घर में जो है ऐसी ही ज़बरदस्ती कढ़ाई बना ली। तो इन्जॉय कीजिएगा इस कढ़ाई को खा के।
तो फिर देखें कितनी ज़बरदस्त कढ़ाई हमारी बनी है। इसमें बारीक बारीक अभी मैं अदरक भी काट के डालूंगी और आप इसको खा के इंजॉय कीजिएगा। बहुत मज़े की बनी है, अपने हाथ की बनी हुई जो है खाने जो हैं होममेड बनाकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। एक अलग ही खुशी होती है कि हमने अपने हाथ से मसाले भी हमने घर के डाले हैं, तो बाहर के खानों से बचे, बीमारियों से बचे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला की रहमत से हम जो है जब घर के खाने बना के खुद ही खाएंगे तो मुख्तलिफ बीमारियों से बचेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करें। अल्लाह हाफिज़।